एक बड़ा प्यारा राग है, राग बिहाग, जिसकी उत्पत्ति बिलावल ठाट से हुई। बिलावल ठाट मतलब के सारे शुद्ध स्वर उसमें प्रयोग होते हैं बिलावल ठाट में। तो ये ओड़म संपूर्ण जाति का राग है। ओड़म संपूर्ण मतलब के ओड़म पांच को कहते हैं और संपूर्ण सात को कहा जाता है। सात और पांच अर्थात अरोह में पांच स्वर लगेंगे और अवरोह में सात स्वर लगेंगे। तो इसमें यह है कि गामा गारे की संगति प्रदान है और सुंदर लगती है। हाँ, इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग भी होता है। पहले तो पुराने समय में विवादी के नाते तीव्र मध्यम का प्रयोग करते थे, जैसे इसका बाजी स्वर गंधार है और समाधि निषाद। बाजी स्वर से अर्थात है ऐसा स्वर जिसमें राग का पूरा जो ध्यान है या आकर्षण है वो गंधार स्वर है मेन, और समाधि उसके जरा कम लगेगा, बाकी स्वर तो सारे चलेंगे। यानी कि जैसे वादी स्वर जो है वो राजा की उपाधि देंगे और संवादी को क्या मंत्री की। ये तो शास्त्र की बातें हैं भाई। आमतौर पर जो कलाकार लोग या महफिल के लोग होते हैं या नामग्रामी लोग होते हैं वो जो राग अंग पद्धति पर निभार करते हैं। रही बाजी संवादी की बात, तो जैसा ऑडियंस है जैसी है, अब आम जो पब्लिक है सुनने वाले हैं बड़े कम लोग होते हैं जो इन शास्त्र के नियमों को पहचानते जानते हैं। अब क्या है कि हम देखेंगे कि किस तरह बिहाग का स्वरूप बनेगा। इससे एक मिलता जुलता राग है। मिलता जुलता राग भी समझिए या तो उसकी छाया समझिए, वो है मारू विहाग। लेकिन मारू विहाग में शुद्ध मर्जम मध्यम को वर्जित कर देते हैं। तो जैसे लेकिन विहाग में क्या करेंगे,
अब पेश है राग बिहार।
ईश्वर सब पर मेहर कर, सब अज्ञान कर, सबके दुखों का नाश कर। हे प्रभु तेरे भरे भंडारे, तेरे भरे भंडारे।